हेलो दोस्तों, गुड्डू गोरिल्ला यूट्यूब चैनल में आप सभी दोस्तों का स्वागत है। खैर मकदम है। चलिए दोस्तों, एक नई सफ़र में आज फिर से हम लोग चलते हैं। दोस्तों आज हम लोग आ गए हैं खुट्टी रोड से, जो बाएं की ओर घुसती है सिल्दा गांव रोड, वही गांव आ गए हैं। दोस्तों देखिए, दोस्तों ये बहुत अच्छा पलाश का फूल जो अभी हो रहा है, ये पलाश का फूल राजकीय फूल है। और ये आज होली का समय आ गया है, इससे होली का रंग बहुत अच्छा तरीक़ा से बनता है। देखिए ये नीचे गिरा हुआ है दोस्तों, देखिए ये फूल इसी से कलर बनाया जाता है। और दोस्तों आज आप लोग को एक अजूबा चीज़ दिखाएंगे हम। एक छोटा सा दाढ़ी है जो कि एक जामुन का पेड़ है, उसका तना से दोस्तों ये वहाँ से पानी बहता है, लोग उसको पीने के लिए यूज करते थे, नहाने के लिए यूज करते थे। चलिए आप लोग को हम दिखाएंगे। देखिए दोस्तों, हर तरफ पलाश के फूल खिले हुए हैं। अभी मार्च का महीना आ गया है दोस्तों, होली करीब ही है। देखिए सब तरफ खूबसूरत पलाश के फूल। दोस्तों चलिए हम लोग नीचे की ओर उतरते हैं, कुआं की ओर, दाढ़ी की ओर। चलिए दोस्तों, हम लोग पहुंचने ही वाले हैं, थोड़ा सा जगह ऊंचा नीचा है जिसके कारण चलने में दिक्कत हो रही है। चलिए हम लोग चलते हैं। तो देखिए दोस्तों, हम लोग आ गए हैं उस अजूबा कुआं के पास। देखिए, जो मैंने पहले आपको बताया था कि कुआं एक जामुन के तने, जो पानी है वो जामुन के तने से निकलता है दोस्तों। और आप देख सकते हैं, हम तना दिखा रहे हैं आप लोग को। देखिए देखिए, ये तना है, ये आप लोग तना देख रहे होंगे, ये जामुन का तना है। देखिए सब तरफ से, देखिए आप लोग दोस्तों देख सकते हैं आप लोग, देखिए बहुत अजूबा कुआं है। और कितना दिन से है इसको बताना बहुत मुश्किल है। देखिए इसका गहराई दिखाइए तो, देखिए इतना ही गहरा है मात्र, लेकिन पानी कभी नहीं इसमें घटती है, पानी चलते रहते हैं। यह हमारे स्थानीय दोस्त अनिल भाई हमारे साथ में है, आप लोग देख सकते हैं, इनसे कुछ हम लोग इसके बारे में जानकारी लेंगे। तो अनिल भाई, ये जो है इसको आप लोग क्या बोलते हैं, दाढ़ी बोलते हैं, कुआं बोलते हैं, इसको क्या दाढ़ी बोलते हैं? दाढ़ी बोलते हैं, हाँ दाढ़ी बोलते हैं, क्योंकि बाप दादा लोग से इसको दाढ़ी का नाम दिया गया है। और ये असल में दाढ़ी है, दाढ़ी उसी को बोलते हैं जहाँ से 24 घंटा पानी निकलता है, और इसमें से हमेशा पानी निकलते रहता है। इसी से हम लोग का पहले बाप दादा भी पानी पी के गुजारे हैं, और हम लोग अभी फिलहाल अभी सरकार के चलते इधर उधर जल उल दिया है, उसके चलते अभी पानी अभी यहाँ से नहीं पी रहे हैं, लेकिन नहाने का काम अभी भी होता है यहाँ। मतलब ये पानी स्वच्छ है, पी सकते हैं आप लोग इसको? एकदम पी सकते हैं, और बहुत अच्छा लगता है पानी यहाँ का पीने के लिए। तो ये दाढ़ी जो है आप बता सकते हैं कि कितना पहले से है, कितना दिन से है, आप इसका आप लोग को कुछ जानकारी है ये कैसे बने? बाप लोग भी बोल रहे थे कि हम लोग से पहले ही से इसे ऐसा बना हुआ है, तो इसमें तो हम लोग का भी अनुमान नहीं है, लेकिन बहुत पुराना दाढ़ी है। अच्छा, और इसका आप लोग पीने का उपयोग करते थे ना? हाँ, पूरा बस्ती, जितना बड़ा बस्ती है सब इसी पर निर्भर ही था पहले। अच्छा, पहले यही था एको पानी पीने का, और कहीं कोई दूसरा नहीं था। अच्छा, और जो अभी है वो गर्मी में भी है, जो अभी पानी चलता है वो गर्मी भी, अभी तो साफ थोड़ा कुछ दिन से नहीं हुआ है बरसात अभी के लेके, अभी तो साफ करने से फिर एकदम क्लियर पानी आता है और हमेशा बहते ही रहता है। इसको पानी को थोड़ा हाथ से चला के दिखाइए तो मुझे कैसे, इसका पानी एकदम क्लियर, एकदम मिठास पानी है, किसमें लोग पानी पीने से प्यास बुझा जाता है, एकदम ठंडा पानी रहता है फ्रिज की तरह। अब पी सकते हैं थोड़ा सा पानी इसको? एकदम पी सकते, पिए तो देखिए भैया ये पी रहे हैं पानी, देख सकते हैं आप लोग कितना स्वच्छ जल है। थोड़ा सा मन खुश हो जाता है, थोड़ा सा हम भी पियेंगे, हालांकि कैमरा में हम नहीं आ सकते हैं, अनिल भाई हैं कैमरा में, लेकिन हम पियेंगे इसको साफ करके। देखिए हम उठा रहे हैं, देखिए सही में बहुत ज़्यादा मीठा है, एकदम पानी एकदम
लग रहा है कि चीनी घोला हुआ है इसमें। तो शुक्रिया अनिल भाई, आप लोग आपने बहुत अच्छा जानकारी दिया। कुछ और हम अपने दर्शक को दिखाएंगे, थोड़ा सा किनारे होइए। देखिए दोस्तों, ये जो है आप देख सकते हैं, ये जो पत्थर लगा हुआ है इसमें लोग जो है अपना नहाते हैं, कपड़ा खींचते हैं और तरह का उपयोग करते हैं। और ये अभी फ़िलहाल देखिए ग्लोबल वार्मिंग के कारण से और बहुत ज़्यादा बोरिंग हो जाने के कारण से यहाँ जो है पानी अभी नहीं चलता है। थोड़ा पानी ऊपर है लेकिन देखिए ऊपर है लेकिन बह नहीं रहा है, काहे कि पानी का स्तर थोड़ा नीचे जा रहा है इस कारण से। नहीं तो ये जो है 24 घंटा बहता रहता था। देखिए ये जो है अभी फ़िलहाल तक ये बह रहा था। देखिए आप जो है ये खेत देख सकते हैं, ये पूरा गीला खेत है। देखिए पूरा गीला खेत है, नाली बनाया हुआ है, यहाँ से पानी बह रहा था और निकल रहा था, समझे ना। देखिए और देखिए फिर से एक बार हम दिखा दे रहे हैं, ये जो है कुआं, जो दाढ़ी दाढ़ी आपको बता चुके हैं, दाढ़ी किसको बोला जाता है। देखिए ये जो है ये देखिए यहीं से पानी निकलता है। और ये जामुन का तना है और यही तना से ऊपर वाला का इसमें विशेष क्रम है कि इंसान को प्यास बुझाने के लिए वो अपना यहाँ करम बरसा दिए और ये पानी चल रहा था, लोगों का प्यास बुझाया। अभी हाई टेक्निक आ गया है, लोग बोरिंग कर रहे हैं, पैसा हो गया है, नहीं तो पहले यहीं से उपयोग आप सभी लोग करते थे। अभी गर्मी में अभी इंसान तो नहीं लेकिन जानवर जरूर पीते हैं पानी यहाँ के। जानवर पीते हैं, इंसान भी पीते हैं। देखिए आपको फिर से एक बार हम ये जैसे पानी इतना ऊपर है ना तो जानवर आके हमेशा यहीं आके पानी पीते हैं। देखिए जानवर भी इनको जान गए हैं कि यहाँ पानी हम लोग को मिलता है, ये लोग पीते हैं आके। देखिए ये जो है मैं अपना बार बार सभी ब्लॉग में दोस्तों आपको बताया है कि झारखंड एक अद्भुत प्रदेश है। यहाँ तरह तरह के चीज़ अजूबा तरीक़े से मिल जाता है। देखिए ये इसके बारे में हमको पता नहीं था लेकिन हमारा दोस्त अफ्ताब भाई ने बताया कि चलिए वहाँ इस चीज़ है और हम आए और ये आप लोगों के लिए वीडियो बनाए। गुड्डी गोरिल्ला यूट्यूब चैनल में दोस्तों आप लोग इसी तरह बने रहिए, प्यार देते रहिए और मेरा सपोर्ट करते रहिए। आगे ऐसे ही आप लोग को अमेजिंग वीडियो हम बना के दिखाते रहेंगे। और अनिल भाई का हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं, इन्होंने बहुत अच्छा जानकारी दिया। अनिल भाई यहीं के हैं तो शुक्रिया था अनिल भाई। और आप सभी गुड्डू गोरिल्ला देखने वाले सभी दर्शकों का शुक्रिया, आप लोग यूट्यूब चैनल में बने रहिए। शुक्रिया, धन्यवाद।